Hello everyone, I am Rahul and welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is for all the MCOM part 2 students semester 3 jinka exam hone wala hai abhi is month mein. Aur is video mein hum discuss karenge do chapters, foreign branch aur banking company. So start karte hai. Chapter number 1 is foreign branch. To aapko 15 marks ka question is chapter pe aayega. तो फिलहाल मैंने यहाँ पे दो वैरायटीज के बारे में मेंशन किया है. देर आर टू वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क. द वैरायटी नंबर वन इज एनी अदर करेंसी कन्वर्टेड टू इंडियन रुपीस. कोई भी अदर करेंसी को अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे, ये एक वैरायटी है. और नंबर सेकंड इज रुपीस कन्वर्टेड टू एनी अदर करेंसी. ये हमारा सेकंड वैरायटी है. तो आपको दोनों वैरायटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. रूल्स डिस्कस करेंगे हम चैप्टर के बारे में. रूल नंबर वन, इफ डॉलर कन्वर्टेड टू रुपीस देन वी हैव टू मल्टीप्लाई. मैंने यहाँ पे डॉलर एक ऐसे ही बेसिकली लिया है. अगर आप देखें तो डॉलर के जगह पे किसी और करेंसी का भी नाम आ सकता है, जैसे पाउंड हो या अदर करेंसीज हो. तो आपको एक ही याद रखना है, अगर हम किसी फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई. एंड नंबर सेकेंड इज इफ रुपीज कन्वर्टेड टू डॉलर वी हैव टू डिवाइड, डिविजन करना है. लेकिन फर्स्ट लेवल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, तो आपको फर्स्ट लेवल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के मिल जाएंगे, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं. तो दैट आर द बेसिक रूल्स फॉर सॉल्विंग. कुछ और रूल्स है जो आपको रेट्स से रिलेटेड यूज करने हैं, एंड दैट इज करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज वी हैव टू टेक क्लोजिंग रेट. तो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज को हमें क्लोजिंग रेट लेना है. ओपनिंग स्टॉक को वी हैव टू कंसिडर ओपनिंग रेट. ओपनिंग स्टॉक के लिए हमें ओपनिंग रेट लेना है, क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमें क्लोजिंग रेट लेना है. और व्हेनेवर एवरेज रेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, एवरेज रेट के बारे में भी आपको याद रखना है. जो भी रेवेन्यू आइटम्स होंगे उसके लिए हमें एवरेज रेट लेना है. एवरेज रेट नहीं दिया होगा तो आपको ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय टू करना है. फिक्स असेट्स के लिए परचेस रेट लेना है. हेड ऑफिस एंड गुड्स एंड टू ब्रांच के लिए डायरेक्ट वैल्यू. सो आपको किस टाइप के अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस. फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस. आपको कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस एक बेसिक पॉइंट है जो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ये चैप्टर में आपको सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर करना होगा. अगर वो आपका राइट रहेगा तो आपकी सारी चीज़ें राइट हो जाएगी. द सेकेंड नंबर वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो काफ़ी ईजी है, और उसमें आप सारे पोस्टिंग आपके कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड करोगे. द थर्ड वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट. और बैलेंस शीट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में अलाउड है, बिकॉज यहाँ पे छोटा सा एक बैलेंस शीट कवर होगा, इसलिए वी हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज कंसर्न. और फोर्थ एक ऑप्शनल फैक्टर कभी कभी पूछा जाता है, ब्रांच अकाउंट. बट यूजुअली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट आपको प्रिपेयर करने ही है. चैप्टर नंबर सेकंड पे आते हैं जो थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे हम. चैप्टर नंबर सेकंड इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी एंड वी हैव टू ओवर हियर. नंबर वन इज वर्टिकल बैलेंस शीट फॉर्म ए का फॉर्मेट 3000 ओमिटेड, मतलब आपको 30 ओमिट करके लिखना है, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन. एंड वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्म बी, जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के लिए होगा. कुछ एडजस्टमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं. आपके नेट प्रॉफिट का 25% जो है वो आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना है कंपलसरी. एंड नंबर सेकंड, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, जो आपको शेड्यूल नंबर 13 जो है इंटरेस्ट अर्न्ड का उसमें से लेस करना है. एंड शेड्यूल नंबर 5 जो है अदर लाइबिलिटीज का उसमें ऐड करना है. सो देर आर अदर एडजस्टमेंट्स ऑल्सो, बट बेसिकली आई हैव कवर्ड दिस टू, बिकॉज ये दो एडजस्टमेंट्स आप कोई भी फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग का क्वेश्चन ले लो, आपको सॉल्व करना कंपलसरी है, और एज वेल एज एडजस्टमेंट्स में भी पूछा जाता है. वर्टिकल बैलेंस शीट के बारे में कुछ मैंने बेसिक रूल्स बनाए जो देखो आपको सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे. एंड दैट इज लाइबिलिटीज़ का जो शेड्यूल है 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक का होगा. 1 नंबर से लेके 5 नंबर का शेड्यूल इज लाइबिलिटीज. एंड सिमिलरली 6 to 11 इज ऑफ असेट्स. 12 नंबर टोटल का पार्ट नहीं है, दैट इज डिफरेंट शेड्यूल कॉल्ड एज कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी. सो नाउ विल डिस्कस द शेड्यूल्स ऑफ द लाइबिलिटी साइड. लाइबिलिटी साइड 1 नंबर to 5 नंबर, 1 नंबर कम्स एज कैपिटल, 2 नंबर कम्स एज रिजर्व एंड सरप्लस, 3 नंबर कम्स एज डिपॉजिट्स, 4th नंबर इज बोरिंग्स, एंड 5th नंबर इज अदर लाइबिलिटीज. तो कैपिटल यूजुअली आपको ईजी तरीके से दिया जाएगा, कैपिटल इक्विटी प्रेफरेंस जो भी टाइप का होता है. रिजर्व्स में सारे रिजर्व्स आपको लिखने हैं, डिपॉजिट्स में सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स ऐसे लिखने हैं. बोरिंग्स में आपको बोरिंग्स फ्रॉम डिफरेंट अदर बैंक्स के बारे में, कुछ बोरिंग्स आपने किया है वो आपको लिखना है.
Other liabilities includes the creditors, sundry provisions, any outstanding expenses, और वो जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, rebate on bills discounted, provision for tax, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो सकते हैं. तो ओवरऑल देखा जाए तो लाइबिलिटी साइड में अगर फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट देखा जाए तो काफ़ी ईजी है, बिकॉज वो आपके हर फॉर्मेट में कवर हुआ है. ओनली पॉइंट नंबर थ्री डिपॉजिट्स, ये थोड़ा बैंकिंग के फॉर्मेट में नया है. डिपॉजिट्स में आपको याद रखना है करंट अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, सेविंग अकाउंट्स, ये सारे पॉइंट कवर होंगे. बोरिंग्स में ज़्यादा पॉइंट्स कवर नहीं होते हैं. अदर लाइबिलिटीज इंक्लूड्स दी अदर लाइबिलिटीज सच एज प्रोविजन फॉर टैक्स एक्सेट्रा. सो ये था ओवरऑल लाइबिलिटी साइड. लेट अस सी द असेट साइड एज कंसर्न. तो 6 नंबर से लेके 11 नंबर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे आपके असेट्स को कवर कर रहा है. 6 नंबर इज कैश बैलेंस एंड बैलेंस विद आरबीआई. यहाँ पे आपको कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड बैलेंस विद आरबीआई, ऐसे पॉइंट्स को लिखना है. शेड्यूल नंबर 7 इज कैश बैलेंस विद अदर बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, वेयर वी हैव टू राइट द बैलेंस इज रिलेटेड टू अदर बैंक्स. अगर कैश बैलेंस विद SBI, कैश बैलेंस विद अदर डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स दिया होगा तो आपको लिखना है. मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस डायरेक्टली नाम का पॉइंट आता है. शेड्यूल नंबर 8 इज इन्वेस्टमेंट्स. तो इन्वेस्टमेंट्स आपके अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स है शेयर्स में, गोल्ड बुलियन, सिल्वर बुलियन, ऐसे भी पॉइंट्स आपके क्वेश्चंस में हमेशा डाले जाते हैं, वो आपको लिखना है. शेड्यूल नंबर 9 में एडवांसेस लिखना है. शेड्यूल नंबर 10 फिक्स असेट्स लिखना है. शेड्यूल नंबर 11 में आपको अदर असेट्स लिखना है. तो दीज आर ऑल आवर पॉइंट्स ऑफ असेट साइड. नाउ विल स्टार्ट दी पॉइंट्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट काफी सिंपल है. 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक हमारे जो थे वो बैलेंस शीट के पॉइंट्स हो गए. 13 नंबर एंड 14 नंबर हमारा इनकम है. 13 एंड 14, 13 इज इंटरेस्ट अर्नड, जो भी पैसा अर्नड होगा वो यहाँ लिखना है. 14 नंबर इज अदर इनकम. तो 13, 14 आपका टोटल इनकम कंसिडर किया जाएगा एंड 15, 16 विल बी योर टोटल एक्सपेंडिचर. फिर आपको इनकम में से आपको एक्सपेंसेस को माइनस करना है. 15 नंबर इज इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, वॉट एवर इंटरेस्ट यू आर पेइंग दैट विल बी रिटर्न ओवर हियर. एंड 16 नंबर कवर्स ऑल दी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दी बैंक्स एज कंसर्न. सो दिस वॉज द वीडियो. ये मैंने दो चैप्टर के बारे में डाला है. अगले दो चैप्टर के बारे में इंश्योरेंस और कॉपरेटिव सोसाइटी में मैं अगला पार्ट लेके आऊँगा. वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता था इसलिए इसमें दो ही चैप्टर डाले. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो. थैंक यू. हैव अ